राजेश्वरी चैटर्जी एक शिक्षक और वैज्ञानिक थी। डॉक्टर चैटर्जी को 1947 में प्रतिष्ठित मिशिगन विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए छात्र के लिए चुना गया था। ये एक ऐसा समय था जब कुछ ही महिलाओं ने विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की और कुछ ही विदेश गईं। 1953 में अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद राजेश्वरी चैटर्जी भारत लौटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग की संकाय सदस्य बनी। डॉक्टर चैटर्जी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के चेयरमैन पद के लिए भी चुनी गई। अपने जीवन काल में उन्होंने 20 पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन किया, 100 से भी ज्यादा शोध पत्र और 7 पुस्तकें लिखीं।